दोस्तों भाई लोगों, हम आ गए हैं दिल्ली में शहीदी पार्क, इंडिया फर्स्ट आउटडोर पार्क में भाई, जो ये म्यूजियम है भाई। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार दिखता है, देखो बहुत खूबसूरत बना रखा भाई, बहुत खूबसूरत। चाचा नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय हैं भाई वो। बाकी और भी अंदर आपको बहुत सारे चेहरे मिलेंगे जो प्रसिद्ध हैं। ये भाई इसका फ्रंट गेट, नाम बताओ भाई, नाम बहुत आपका, बहुत बढ़िया मिलती, बढ़िया बढ़िया भाई। एंट्री हो चुकी है हमारी, टिकट का तो ये हमें सरप्राइज सा मिला, हमें नहीं पता था कि टिकट तो भाई यहाँ टिकट भी है, टिकट के प्राइस पूछते भाई यहाँ पर कितना है। 17 साल 100 रुपये और 60 सवा 50 रुपये। और क्या हॉलीडे पे 150 रुपये ही। तो भाई रोन बताओ कितना का प्राइस है, क्या टिकट है? यार थर्सडे है तो 100 रुपये की टिकट है, वीकेंड मतलब सैटरडे और संडे 150 रुपये ईच है, और 12 साल से नीचे की कोई टिकट नहीं है, बाकी 100 रुपीज़ है, और वीकेंड डेज पे 150 रुपीज़ ईच पर्सन। और 60 साल से जो ऊपर का है उनके ऊपर है 50 रुपये टिकट है भाई। और भाई यहाँ पर शुरुआत में इतना बढ़िया बढ़िया नज़ारे मिल रहे हैं हमें, सबसे पहले तो दिखा दूँ यहाँ पर अपने राजा भारत, भारत हिंदी में, भारत इंग्लिश में, पर भारत पढ़ लेता हूँ। तो भाई ये है अपने राजा भरत, इनके नाम पे भाई हमारे देश का नाम रखा गया भारत। आचार्य चरक, इन्हें देखते ही पहचान जाएगा कोई भी, ये है आयुर्वेद के जनक भारत में, विश्व में। पतंजलि, जिन्होंने पूरे विश्व को योग दिया है, पूरे विश्व को 21 जून वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाया जाता है और इन्हें हर वर्ष याद किया जाता है, पतंजलि सल्यूट। तो रोहन भाई ये कौन है? ये विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के उपराज्यपाल। LG कौन है? LG जो केजरीवाल जी अक्सर बोलते हैं कौन है LG, तो विनय जी हैं LG। तो ये LG है, इन्होंने उद्घाटन किया है शहीदी पार्क का परसों 8 अगस्त को, और ये अपने अरविंद माननीय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री। ओवर टिकट तो फाड़ दी, फाड़ देखो। और यहाँ पर हमारी भारत माता, कितना प्यारा दृश्य लग रहा भाई, भारत माता, ऊपर झंडा, और बहुत सुंदर दृश्य है भाई, बहुत सुंदर। फोटो तो लेंगे यहाँ, फोटो भी लेंगे भाई और वीडियो भी बनाएंगे। और ये हमारी भारत माता है भाई, सलाम सल्यूट, सल्यूट नमस्कार, हर चीज इनके सामने हर बंदा सर झुकाता है। भाई फवारे वारे का भी इंतजाम नहीं कर रखा है पूरा, मतलब रात में लाइटिंग वाइटिंग होती है यहाँ पर। शाम की टाइमिंग है कुछ, जब बंद होता है 8 बजे टाइम है, रात में लाइटिंग वाइटिंग भी होती होगी। तो दोस्तों भाई रात में लाइटिंग भी होती है और 8 बजे की टाइमिंग है, 8 बजे तक ये बंद हुआ था भाई। तो फवारे भी कुछ सरकार हैं, कितना प्यारा लग रहा भाई, आगे भविष्य में टाइम बढ़ भी सकता है ऐसा मानना है, अभी तो फिलहाल इतना ही है। तो भाई अब आ गए हम द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, राजा पोरस के बारे में सुना ही होगा अपना, और चाणक्य नीति, चाणक्य एंड चंद्रगुप्त, जो आप इतिहास में पढ़ते हैं इनके बारे में बहुत बढ़िया लिखा गया है और पढ़ा गया है। और ये भाई सम्राट अशोक, ये इतने पावरफुल थे, इनसे पावरफुल आज तक कोई राजा नहीं हुआ है भाई। अखंड भारत की जो आज बात होती है, अखंड भारत पर पूरे पर राज था, ये हैं सम्राट अशोक। मीर भोज भाई, वो भाई मीर भोज के बारे में आपने, मीर भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश, इनके ऊपर बहुत विवाद हुआ है, राजपूत बोल रहे हैं कि ये हमारे हैं और गुर्जर साहब बोल रहे हैं कि ये हमारे हैं, पर ये विवाद अभी तक अभी सुलह नहीं है,
खुल जाएगा तो पता लग ही जाएगा हमारे ये किसके हैं। तो भाई रोहन आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आप भारत सरकार ने तो मीरबोध गुर्जर प्रतिहार लिखा है, तो गुर्जर समाज के ही हैं मीरबोध जी, शुरू से ही पता है और इतिहास रहा है गुर्जरों का। तो भाई यहाँ पर बकाया लिखा भी गया है, लिखित में रिटर्न में भी लिखा गया है, उनका नाम है मीरबोध गुर्जर प्रतिहार राजवंश। तो भाई गुर्जर ही भाई। तो भाई ये वही जगह जहाँ हम वहाँ थे दूसरी साइड, तो हम इस साइड आ गए हैं। तो भाई दोस्तों अब हम जा रहे हैं आगे, ये मराठा साम्राज्य चालू हो गया भाई यहाँ से, और हमारे रोहन मराठा साम्राज्य की बात हो और छत्रपति शिवाजी की बात ना हो तो अधूरा ही रहता हमेशा। और ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, और इनके सामने किसी सल्यूट नहीं करा तो भाई कुछ नहीं करा, तो भाई सल्यूट करते हुए इनको, बहुत प्यारे लग रहे हैं, अद्भुत लग रहे हैं, मराठा साम्राज्य की शान छत्रपति शिवाजी महाराज। पर हर किसी का जिक्र करा गया है भाई, प्रस्तुत करा गया है, हर जगह का दृश्य दिखाया गया है, जो भी उस समय के वीर योद्धा थे उनका यहाँ जिक्र करा गया भाई और दिखाया गया है। तो भाई ये रहे हमारे साहू जी महाराज आरएसएनडी जनक, बहुत बड़े इंसान थे। तो भाई यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा सिख साम्राज्य, और भाई जहाँ सिख साम्राज्य की बात हो वहाँ हमारे महाराजा रणजीत सिंह की बात ना हो तो भाई यह बात अधूरी है। बहुत बढ़िया बढ़िया दृश्य बनाए गए हैं भाई यहाँ पर, और यहाँ पर है बाबा दीप सिंह है भाई यहाँ पर। तो भाई खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, ये हमारी माननीय लक्ष्मी भाई झांसी की रानी, कितना अद्भुत दृश्य बनाया गया है भाई, उनके पीछे उनका बच्चा महात्मा ज्योतिराव फूले, इन्हें पिक्चर से पहचान नहीं सकते अभी तुम, क्योंकि ये रियल पिक्चर है इनकी, मतलब थोड़ा ठीक नहीं बनाया उस कारण से, पर ये महिला समाज सुधारक में प्रथम नंबर पे आते। तूफानी हिंदू का नाम सुना है भाई अपने? स्वामी विवेकानंद। तो भाई इनको तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद। विनायक दामोदर सावरकर, इनके लिए बहुत पॉलिटिक्स होती है भाई, वो पॉलिटिक्स हम छोड़ देते हैं अभी, तो हमारे यहाँ सामने शख्सियत है, बढ़िया बंदे थे अच्छे। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा भाई जलियांवाला बाग कांड, यहाँ पर जनरल डायर ने आदेश दिया था भाई कि जितने भी वहाँ पर वो थे सिख जो आंदोलन कर रहे थे उनको गोली मारने के लिए, तो भाई ये अपना वो है कुआं जिसमें बहुत लोग गिर गए थे, उनकी जान चले गई थी, और छोटे छोटे वो दिखाए यहाँ पर जितने लोग थे वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और वहाँ बैठे हुए थे, तो भाई ये वहाँ उसमें गिर गए थे, क्या बोलते हैं कुएं में, और बंदे मर गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज, तेरे बहुत बड़ा योगदान था भाई भारत में इनका, बहुत बड़ी शख्सियत थे ये भारत के जाने माने इंसान, इन्हें कौन नहीं जानता होगा भाई, चंद्रशेखर आज़ाद। तो रोहन भाई क्या बोलना चाहोगे इनके बारे में? आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, और हमारे वीर सपूत भगत सिंह जी, इनका नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई, इतनी बड़ी शख्सियत थे पूरे भारत के, क्या बताऊं। ये दृश्य जो आपको दिख रहा है ये असेंबली में बम फोड़ जो बम फेंका गया था भगत सिंह द्वारा, जो बम फेंका गया था वो दृश्य है ये असेंबली में। महात्मा गांधी जी आज़ादी में इनका सबसे बड़ा रोल था भाई, अहिंसा का रूप था इनका, अहिंसा को अपनाते थे भाई ये। भाई जिनका हमें इंतजार था फाइनली वो हमें मिल चुके हैं, और वो बड़ी शख्सियत, वो महा क्या बोलते हैं परमात्मा, भगवान, दलितों के भगवान है भाई ये, दलितों पिछड़ों गरीब आदिवासी इनके भगवान, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब। क्या कहना चाहेंगे आप रोहन सागर?
काफ़ी टाइम से हम पूरा मतलब पार्क देखा हमने, बहुत बढ़िया बढ़िया करती थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। पर हाँ एक सूखा सा लग रहा था, वो था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टैचू कहाँ पर है, अगरती किधर है। अब आई है, अब मिली है हमें, बहुत भला ठंडक सी भरी दिल को, मज़ा आ गया। तो कहते हैं ना भाई, ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने भारत में संविधान रचा है, संविधान दिया है भारत को। हम इतनी बड़ी शख्सियत की तरह बन तो नहीं सकते, पर इनके आदर्श पर चल सकते हैं, जो इन्होंने बताया उसको भाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में। जय भीम और जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। तो दोस्तों आपने ये देखा होगा कि हर बाबा साहब की हर मूर्ति पे इशारा है वाला, तो इशारा क्यों किया गया है वो हमारे बीच रोहन बताएंगे। चलो संसद की ओर, इसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चलो संसद की ओर। तो भाई यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था भी है इस साइड, ठीक है, जिसको घूमते घूमते भूख लग जाए तो भाई यहाँ पर आइए कैंटीन में। अभी तो हमें भूख नहीं लगी, अभी एक जगह और बची है तो वहाँ जाएंगे, उसके बाद कैंटीन में जाएंगे। तो दोस्तों भाई हमने एग्जिट ले लिया है, अंदर का नज़ारा बहुत बढ़िया था भाई। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपना प्यार करना भाई। बिल्कुल भाई।